हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जो आपका नया सिलेबस आया है, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की, बाल विकास की, तो उसका सिलेबस जो है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। उसके बाद देखिए, आप लोग भाषा जो है वो आपकी दो आती हैं। आप भाषा फर्स्ट जो है, यदि आप हिंदी लेते हैं तो सेकंड जो लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश लेनी होगी, या संस्कृत लेनी होगी, या उर्दू लेनी होगी, जो आपकी चॉइस है। ठीक है, जब विज्ञप्ति का जो पूरा मैंने आपको बताया था, वहाँ मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आप कैसे भाषा चूज कर सकते हो, क्योंकि अंत तक जो है वो बच्चे यही पूछते रहते हैं कि हम जो है हमने ये वाली भाषा ली है तो हम एग्जाम में कौन सी भाषा के क्वेश्चन करें। सबसे पहली बात, आपने यदि भाषा एक हिंदी को लिया है तो आप 30 प्रश्न जो है वो एग्जाम में भाषा प्रथम हिंदी के ही करेंगे। यदि आप सेकंड लैंग्वेज की हिंदी जो है वो कर देंगे तो आपके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ेंगे वो। ठीक है, तो आपको ध्यान से जो है क्वेश्चन पेपर में भी और सिलेबस भी अपने अकॉर्डिंग ही देखना है कि आपने फॉर्म में क्या भरा है। तो यहाँ भाषा एक यदि आप हिंदी लेते हैं तो यहाँ कुल प्रश्न 30 होते हैं, कुल अंक 30 होते हैं। वही 15 मार्क्स आपके यहाँ व्याकरण के पूछे जाएंगे और 15 जो है वो आपके शिक्षण विधियों के पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा जो प्रथम है उसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया है, जो भी 2021 का सिलेबस था वही है। तो जो नए बच्चे हैं वो देख लें क्या पूछा जाता है व्याकरण में। यहाँ पर देखिए, शब्द ज्ञान में आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, ये आते हैं। ठीक है, संधि समास, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लेख शब्द और शब्द शुद्धि, ये आपका पूछा जाएगा। ये शब्द ज्ञान से संबंधित है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दूसरे जो यूनिट है उसमें आपका पूछा जाएगा वचन, काल, लिंग, ये ज्ञात करना, और राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, जो कि आपका पिछले साल ही नया जोड़ा था। ठीक है, फिर देखें वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, ये आपका पूछा जाएगा। शिक्षण विधियों के मैंने आपको बताया कि कुल जो है 14-15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर शिक्षण विधियों के हिंदी भाषा जो है उसमें से आएंगे। तो शिक्षण विधियां जो है इसका बहुत बड़ा रोल रहता है आपके रीट के एग्जाम में। तो भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, यानी भाषा जो है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, भाषाई कौशल का विकास जिसमें आपके चार स्किल आते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर शिक्षण विधियां की सामग्री, हिंदी भाषा शिक्षण में क्या चुनौतियां हैं, किसका सामना करना पड़ता है, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य साधन, मूल्यांकन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, हमने बाल विकास में भी देखा था मूल्यांकन का टॉपिक है, उसी तरीके से भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और समग्र और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये आपका रहेगा। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप लोगों को कौन सी बुक फॉलो करनी है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन सी बुक लेनी है, RBSC, NCERT, किससे आप पढ़ने वाले हो, कौन सी सही रहेगी जो आपका पूरा सिलेबस कवर करेगा। तो यहाँ पर ये भी आप ध्यान दें कि बहुविकल्प प्रश्नों का जो मापदंड है वो आपके कक्षा 6 से 8 तक का होगा, क्योंकि आप 6 से लेकर 8 तक के ही शिक्षक बनोगे, इन्हीं बच्चों को पढ़ाओगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र जो चल रहा है 2021-22 की, जो बुक्स आपकी स्कूल में चल रही है इस वक्त, तो पाठ्य वस्तु के आधार पर ही होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर जो है वो सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। अब यहाँ पर ये देखकर ये नहीं सोचना है कि आपको 11वीं 12वीं की बुक जो है वो पढ़नी है। लास्ट ईयर भी मैंने यही बताया था आपको, कठिनाई स्तर का मतलब ये है कि आपका जो 6 से लेकर 10 तक की जो बुकें आपकी पूछी जाएंगी, तो उसमें जो लेवल होगा यानी प्रश्न प्रश्न जो पूछने का तरीका होगा वो आपका क्या होगा, उसका स्तर सीनियर सेकेंडरी होगा। ठीक है, पढ़नी आपको 6 से 10 तक की ही है, यानी हिंदी भाषा की हम बात करें तो व्याकरण जो है वो आपको 6 से 10 तक की बुक्स ही पढ़नी है, जो कि 2021-22 की आपके स्कूलों में इस वक्त चल रही है। तो ये जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये तो है भाषा जो प्रथम है, जो आप हिंदी लोगे तो उन बच्चों का सिलेबस है। इसके बाद भाषा द्वितीय जो हिंदी लेंगे बच्चे, तो वो अब हम देखते हैं। तो ये देखिए, जो भाषा सेकंड हिंदी लेंगे, यानी पहली भाषा उन्होंने क्या ली है, या तो अंग्रेजी ली है, या संस्कृत ली है, उर्दू ली है, सिंधी ली है, जो भी जिसमें आप दक्ष हो, भाषा प्रथम वही लेनी चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आती हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, फॉर्म भरते वक्त जो है वो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे माहिर हो,
इंग्लिश जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, ग्रामर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो भाषा प्रथम आप अंग्रेजी जो है वो आप फॉर्म में फिल करना, ठीक है, और दूसरी भाषा जो है वो आप इंग्लिश को छोड़कर लेंगे। यही आप हिंदी के बारे में करेंगे। हिंदी जो है यदि आपने भाषा प्रथम ली है, आपको बहुत अच्छे से व्याकरण का ज्ञान है, आप भाषा प्रथम हिंदी लो, उसके बाद दूसरी भाषा जो है हिंदी छोड़ के आप लेंगे। तो यहाँ पर 30 प्रश्न ही आएंगे इसके, जिसमें से 15 जो है वो आपके किससे संबंधित होंगे। यहाँ पर फर्स्ट जो यूनिट है वो व्याकरण से संबंधित रहेगी, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, युग्म शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय रहेंगे, जो कि आपके भाषा प्रथम में भी थे। संधि समास शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना, ये आपका नया है जो आपको भाषा सेकंड में देखने को मिल रहा है। शब्दों के मानक रूप लिखना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया लिंग वचन काल, ठीक है। तो ये व्याकरण के पॉइंट हैं। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट रहेगी ये आपकी पद्यांश से संबंधित रहेगी, यानी कि कविताओं से संबंधित रहेगी, जिसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य या जीवन दृष्टि। तो जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर होता है तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो भाषा प्रथम के रूप में जो लैंग्वेज 2 है हिंदी ले सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट जो यूनिट है इसकी, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह आपके जो है वो भाषा प्रथम में नहीं था, अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ व प्रयोग भाषा। उसके बाद आपकी जो 3 यूनिट हैं यहाँ पर, ये आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित है, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहु माध्यम शिक्षण के अन्य साधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, और उसके बाद समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर भी यही देखिए, जो आपकी भाषा प्रथम में था कि 6 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं वो आपको पढ़नी है 2021-22 की, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। कठिनाई स्तर कक्षा 12 मांगा है, इसका मतलब आपको व्याकरण जो भी है वो आपको 6 से लेकर 10 तक का ही पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कई बार जो है वो मैं इस चीज को आपको बताती हूँ, जितना मांगा है उतना ही पढ़िए। एक्स्ट्रा यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो जो इसका भर्ती प्रक्रिया, जो आपकी इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा आपका मेंस का, तो उसमें आप इसके अलावा जो है वो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय जो आप हिंदी लेंगे उसका सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंग्लिश भाषा को लेंगे भाषा प्रथम और द्वितीय के रूप में, तो उसका भी सिलेबस हम देखेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।